हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। टीईटी स्पेशल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक बार फिर से पर्यावरण अध्ययन के कुछ नए प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके SCERT पैटर्न पर आधारित यानी कि प्राइमरी की बुक्स पर आधारित हैं। इसमें आपका क्लास 4th की हमारा परिवेश की बुक से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें आपसे मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा था। आज हम लोग इसके आगे के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, और ये इसका सेकेंड पार्ट और अंतिम पार्ट है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके बाद आगे के पार्ट्स में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लगे रेड कलर के बटन को प्रेस कर दें, उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इसका पार्ट 1 इसके अलावा अन्य भी वीडियोस मैं ला चुका हूं, जिन्हें अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहां से वो पार्ट्स भी देख लीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषाएं बताइए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली और ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन? इसका मध्य उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ये मुख्यतः भाषाएं जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। इसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग की नकदी फसल का नाम बताओ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मैदानी भाग की नकदी फसलें बहुत सी हैं, लेकिन जो आपका एक ऑप्शन में नाम दिया रहेगा, उसमें आपका मुख्यतः नाम गन्ना दिया रहता है और आप लोग इसमें गलत ऑप्शन कर देते हैं। तो नकदी फसल कौन सी फसलें होती हैं? नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जिनसे कि कृषि करके किसान व्यापार करता है, यानी कि जिन फसलों को व्यापारिक रूप से उगाता है, यानी कि बेचने के लिए उगाता है, उन फसलों को नकदी फसलें कहा जाता है। तो मुख्यतः इसमें जो होता है गन्ना होती है, इसके अलावा गेहूं हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, जितनी भी फसलें की जाती हैं सभी नकदी फसलों के अंतर्गत ही होती हैं, क्योंकि किसान फसलों को बेचने के लिए उगाता है, व्यापार करने के लिए उगाता है। तो जो भी फसलें व्यापार के उद्देश्य से की जाएंगी वो सभी नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठारी भाग का ढलान किस तरफ है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण का पठारी भाग है, इसका जो ढलान है वो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग की ओर, यानी कि गंगा यमुना का मैदान है जिस तरफ, उसी की तरफ इसका ढलान है। और गंगा यमुना के मैदानी भाग का ढलान पूर्व की ओर है। यहाँ की ज़्यादातर नदियाँ जो होती हैं वो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, तो ये एरिया भी उधर की ओर झुकाव किए हुए, उधर ही इसका भी ढलान है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा फेमस नहीं है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो ये जो है कैमूर वन्य जीव विहार, ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में स्थित है, संयुक्त रूप से मिर्जापुर में और सोनभद्र में, याद कर लीजिए दोनों जिलों के नाम। इसके ये संकट ग्रस्त प्रजाति के काले हिरण के लिए और गिद्धों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया, यानी कि यहाँ पर मुख्यतः काले हिरण की रखवाली के लिए और दूसरा जो गिद्धों की संख्या घट रही है इसकी सुरक्षा के लिए इसको स्थापित किया गया है। और ये कैमूर वन्य जीव इसका नाम है, मिर्जापुर और सोनभद्र दो जिलों के में संयुक्त रूप से स्थित है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पान की खेती के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, पान की खेती के लिए महोबा जिला प्रसिद्ध है। वैसे तो इधर अपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कहीं पान नहीं होता है, लेकिन महोबा में पान की खेती काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी से चलती आ रही है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर महोबा की, किस स्थान पर पान की खेती प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों महोबा इसका आंसर हो जाएगा आपका, महोबा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की प्रसिद्ध है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पठारी भाग के अंतर्गत आने वाले मुख्य शहर कौन से हैं। तो पठारी भाग के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं, ये आपका जो दक्षिण का पठारी भाग है, मैंने आपको हाथ से मैप बना के बता दिया था, हालांकि कुछ मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि ये जो इधर वाला एरिया है ये आपका दक्षिण का पठारी भाग कहलाता है, यानी कि यहाँ पर जो जलवायु, यहाँ की जो जमीन है, यहाँ पर पत्थर ज़्यादा है, यानी कि पत्थरों से बनी हुई है और पहाड़ों से बनी हुई है। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम उपजाऊ
उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर खदानें, खनिज, ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये इस भाग को इसी वजह से पठारी भाग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की जो मिट्टी है वो ककरीली पथरीली है और चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो मुख्य शहर इसके हैं, मुख्य डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वो हैं मिर्ज़ापुर, झांसी, महोबा, सोनभद्र, ललितपुर, बांदा, ये इसके मुख्यतः जो ज़िले हैं वो ये आपको मैंने बता दिए हैं, इनको याद कर लीजिए नाम। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। इसके पहले दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आज का। आज का आपका क्वेश्चन है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आज आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। अपने आंसर अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें, ताकि मुझे पता चलता रहे आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है। पिछले पार्ट्स की तरह इसको भी अधिक से अधिक शेयर करें और इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर देते रहें, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ अच्छे से याद करते रहें। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में आल्हा गाए जाते हैं? तो दोस्तों ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत भाग है जहाँ पर आल्हा गाए जाते हैं, और इसके आंसर में आप लोगों को महोबा भी मिल सकता है, क्योंकि महोबा में मुख्यतः रूप से आल्हा गाए जाते हैं। आल्हा उदल दो भाई थे जो कि महोबा के रहने वाले थे, उस समय से बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था, तो इसलिए मैंने बुंदेलखंड क्षेत्र भी बता दिया है और महोबा भी बता दिया है। इनकी वीरता की कहानियों के कुछ काव्य लिखे गए, इन्हीं को मुख्यतः रूप से आल्हा कहा जाता है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, रिहंद विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसे रिहंद बांध भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, इस पर बना हुआ जो कि पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ है? पिपरी नामक स्थान पर स्थित है, और रिहंद नदी पर बना हुआ जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, रिहंद योजना या बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रिहंद योजना को गोविंद वल्लभ पंत सागर योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी योजना के अंतर्गत है। सबसे बड़ी योजना यही है, और ये गोविंद वल्लभ पंत सागर योजना इसका नाम है। दूसरा नाम, एक नाम है इसका रिहंद परियोजना या फिर रिहंद बांध, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछ दिया जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर योजना कहाँ है, तो ये भी आपका रिहंद नदी पर बनी हुई जो कि पिपरी नामक स्थान पर है। इसके बाद बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र के बारे में हम लोग इस पार्ट में चर्चा करेंगे। ये कुछ खनिजों के नाम हैं और इनके ये कहाँ पर पाए जाते हैं वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका था डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है ये मिर्जापुर और बांदा में होता है। तांबा है, तांबा ललितपुर में होता है। ग्लास सैंड है, ये बांदा में होती है। चूना पत्थर रावर्सनगंज में होता है। इन चीज़ों के नाम याद कर लीजिए और कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। इसके बाद यूरेनियम जो ये आपका ललितपुर में होता है, और संगमरमर मिर्जापुर में होता है। कहाँ होता है? मिर्जापुर में होता है संगमरमर, और यूरेनियम जो है ये ललितपुर में होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके खनिज क्षेत्र जो यूपी में मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, माता टीला बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों माता टीला बांध जो है झांसी जिले में स्थित है और बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन आता है माता टीला बांध कहाँ पर है, तो ये बेतवा नदी पर बना हुआ और झांसी जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर, बेतवा नदी से निकलने वाली दो प्रमुख नहरों के नाम बताइए। तो एक ये गुरसराय, दूसरी ये मंदर नहर। ये दोनों नहरें जो हैं ये आपकी बेतवा नदी से निकलती हैं और सिंचाई में सहयोग प्रदान करती हैं। गुरसराय नहर है और मंदर नहर है, ये दोनों नाम हैं, ये बेतवा नदी से निकली हुई हैं। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, सामान तैयार कर उसे बाजार में बेचने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब हम किसी सामान को तैयार करते हैं, यानी कि उसे सजाते हैं, तैयार करते हैं और उसे बाजार में ले जाकर बेच देते हैं, तो इस कार्य को व्यापार कहा जाता है, बिजनेस कहते हैं इसी चीज़ को। तो दोस्तों इसी पर आधारित अगला हमारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख शहर और उन शहरों के प्रचलित, ये शहर प्रचलित क्यों हैं, कौन से कारखानों उद्योगों की वजह से प्रचलित हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका था लखनऊ। लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है और यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले बता दूँ आपको, ये गोमती नदी के तट पर बसा हुआ, गोमती नदी के किनारे पर बना हुआ है, और ये चिकन के कपड़े के लिए और हवाई जहाज़
इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। सबसे मेन जो है यहाँ चिकन की साड़ियाँ हो गई, सभी कपड़े लगभग चिकन के यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद कानपुर जो है ये चमड़े के जूते के लिए प्रसिद्ध है, ज़्यादातर चमड़े के जूते के लिए। इसके बाद इलाहाबाद जो है ये टेलीफोन के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपुर रासायनिक खाद और चीनी के लिए प्रसिद्ध है। क्यों है? रासायनिक खाद और चीनी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जिले मैंने दे दिए हैं सभी। इसके बाद कन्नौज जो है ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज मेरा होम टाउन है और ये जो है ये आपका इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र के साथ साथ ये गट्टा के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ का जो मुख्य उद्योग है वो इत्र है। इसके बाद अगला है वाराणसी, ये डीजल इंजन और रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, डीजल इंजन और रेशमी कपड़ों के लिए। अगला है अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और चाकू छुरियाँ भी प्रसिद्ध हैं। अगला है मेरठ, मेरठ में टायर बनाए जाते हैं, खेल का सामान मुख्यतः यहाँ पर क्रिकेट का बैट जो होता है यहाँ से विदेशों में तक भेजे जाते हैं, इतना फेमस है यहाँ पर। अगला है फिरोजाबाद, तो दोस्तों फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, यहाँ की फिरोजाबाद में ही कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, यहाँ की प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अगला है मथुरा में तेल शोधक कारखाना प्रसिद्ध है और हाथ का कागज बनाने के लिए मथुरा को जाना जाता है। इसके बाद अगला है महोबा, यहाँ पर पान की खेती और पत्थर के काम के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मिर्जापुर भदोही, तो भदोही जो है मुख्यतः कालीन के लिए प्रसिद्ध है और मिर्जापुर जो है ये सीमेंट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद करते रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन निश्चित पूछे जाएंगे। यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया ये तो ये पूरे क्वेश्चन आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। अब इसके बाद अंत में आता है सोनभद्र, सोनभद्र ये है सीमेंट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सोनभद्र का जो ज़्यादातर एरिया है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर सीमेंट के कारखाने सबसे अधिक मात्रा में लगाए गए हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर, सारनाथ में स्थित हमारे राज चिन्ह का नाम बताओ। तो दोस्तों सारनाथ में एक चिन्ह स्थापित किया गया था जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के अंतर्गत आता है, तो ये सम्राट अशोक के 4 सिरों वाला स्तंभ ये आपका सारनाथ में रखा गया है। और सारनाथ जो है ये बनारस के से लगभग 20 से 30 किलोमीटर के अंतर्गत का एरिया, बहुत ही प्रसिद्ध बौद्धिक क्षेत्र है। ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध के कई सारे विदेशी मंदिर मिलेंगे जो, तो ये मुख्यतः आपके लिए बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है सारनाथ। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उस शहर का नाम बताओ जो घाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका नाम वाराणसी है, वाराणसी को अन्य बनारस या काशी नाम से भी जाना जाता है। इसे घाटों का शहर कहा जाता है क्योंकि ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ और यहाँ पर सबसे अधिक घाट है, यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत पुराने पुराने घाट हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, BHU भी यहीं पर है। ये कुछ बनारस की प्रसिद्ध चीज़ें हैं और हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र जो है वो भी बनारस ही आता है, बनारस के अंतर्गत वो बनारस से ही चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों ये राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ, कौन सी नदी? राप्ती नदी के तट। और दोस्तों गोरखनाथ बाबा की धरती पर बना हुआ, इसीलिए इसे गोरखपुर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, इन्हीं के नाम से गोरखपुर का नाम रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पर। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए UPTET के 100 क्वेश्चंस की सीरीज ला चुका हूं, 100 क्वेश्चंस की आपकी संस्कृत की सीरीज भी ला चुका हूँ। अन्य भी मैं आपके लिए डेली 2 वीडियोज लाता रहता हूँ, एक आपको मिलती है सुबह 9 से 10 के बीच में और दूसरी आपको 6 से 7 बजे के बीच में, तो दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप लोग UPTET की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो उसको जरूर अधिक से अधिक संख्या में देखते रहें और मैं आपको इसकी PDF फाइल भी प्रोवाइड कराता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों को कोई अन्य डाउट हो, कोई चीज़ चाहिए हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो क्वेश्चन मैंने पूछा इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, आनंद भवन तथा जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर गंगा यमुना का संगम है। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा यमुना नदी किस स्थान पर मिलती हैं, तो ये यहीं पर आकर इलाहाबाद में आकर मिलती हैं, इसीलिए से प्रयाग कहा जाता है, संगम कहा जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है जो कि 6 वर्षों बाद अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्षों के बाद पूरा कुंभ मेला लगता है। तो ये दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित
उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और ये आपके लगभग ये आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं हमारा परिवेश के। अब आगे के पार्ट में हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या आपके सिलेबस में है और इन बुक्स में क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, आगे की वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।